हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल कुकिंग विद पूनम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ही अपनी इस वीडियो में हम एक ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं जिसको खा करके आपका दिल बिल्कुल बाग बाग हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। तो चलिए देखते हैं हम क्या बनाने वाले हैं और कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं ढेर सारे मखाने, मतलब एक कप से भी ज़्यादा ये मखाने हैं थोड़े। और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ काजू। तो आप सोच रहे हैं हम कोई मिठाई बनाने वाले हैं, जी नहीं, हम कोई मिठाई नहीं बनाने वाले हैं इन ड्राई फ्रूट से, ना हम कोई लड्डू बनाने वाले हैं इनसे। हम आज बनाएंगे सब्जी। हाँ, आज हम ये बहुत ही टेस्टी सी, बहुत ही रिच क्रीमी टेक्सचर देने वाली काजू और मखाना की सब्जी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 प्याज। सबसे पहले इस सब्जी के लिए हम वाइट ग्रेवी बना करके तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, इन तीनों प्याज को हम पहले छील लेंगे, अच्छे से धो लेंगे। इसमें से 2 प्याज हम इसी तरह से धो करके रफली हम इस तरह से चॉप कर लेंगे। बहुत बारीक नहीं करना है हमें, हमें इनको इनका हमें पेस्ट ही बनाना है। तो इस तरह से सारे दोनों प्याज मैं कट कर लूँगी और 1 प्याज को मैं साइड में रख दूँगी तड़के में डालने के लिए। तो यहाँ पर प्याज मैंने कट कर लिए हैं और इसको हमने तड़के में डालने के लिए रख लिया। यहाँ पर मैंने बर्तन में पानी रख दिया है, 2 गिलास के करीब ये पानी है। इसको ढक करके इसमें उबाल आने दिया है। उबाल आने के बाद यहाँ पर हमने जो प्याज कट करके रखे थे वो डाल दिए हैं और उसके बाद इसमें डाल दी हैं मैंने 2-3 हरी मिर्चें जो लाल हो गई हैं पड़ी पड़ी, तो वो इसमें डाल दिया है मैंने। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे इसमें से 10 से 12 काजू और 2 मुट्ठी के करीब इसमें हम इस तरह से मखाने डाल देंगे और इसको हम इस तरह से उबाल करके इनको भी सॉफ्ट कर लेंगे। और प्याज और मिर्च को अच्छे से सॉफ्ट होने तक हम इनको उबाल करके रेडी करेंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा मिला देते हैं इसको। अब मखाने भी सॉफ्ट हो जाएंगे और काजू भी अच्छे सॉफ्ट उबल जाएंगे तो इनको पीसने में आसानी होगी। तो यहाँ पर ये हो गया है, इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और थोड़ी देर में इसको हम इस तरह से स्ट्रेनर में छान लेंगे और इस तरह से रख देंगे इसको ठंडा होने के लिए। और ये जो पानी हमने निकाला है इसको हम बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं, इसको हम साइड में ठंडा होने के लिए रख देते हैं और इस पानी को भी हम साइड में रख देते हैं। इस पानी को हम इस सब्जी में ही यूज़ करेंगे, बिल्कुल भी हमें इसको फेंकना नहीं है। यहाँ पर एक बर्तन चढ़ा लिया, भारी तले की कढ़ाई मैंने चढ़ा ली है यहाँ पर। इसमें मैंने डाल दिया है 1/2 चम्मच देसी घी। तो यहाँ देसी घी में सबसे पहले हमने जो और बचे हुए काजू थे उसको मैंने 2-2 टुकड़ों में कट कर लिया है। आप चाहें तो ये पूरी रेसिपी टुकड़ा काजू में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने अखा काजू लिए थे लेकिन उनको मैंने इस तरह से स्प्लिट कर लिया है। तो यहाँ पर पहले हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इन काजुओं को हम थोड़ा सा घी में रोस्ट कर लेंगे। इसको बिल्कुल भी छोड़ के हटे नहीं, बहुत जल्दी से इसमें ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं और छोड़ देंगे तो काजू हमारे जल जाएंगे तो सब्जी का टेस्ट हमारे अच्छा नहीं आएगा। आप देख रहे हैं तो थोड़ी देर में ही काजुओं ने कलर चेंज कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से प्लेट में साइड में निकाल करके रख लेंगे। यकीन मानिए ये सब्जी इतनी टेस्टी बनती है, इतना रिच, इतना क्रीमी इसका टेक्सचर होता है कि आप एक बार अगर ये सब्जी बनाएंगे तो बार बार इसको बना करके खाने का मन करेगा। इस बचे हुए घी में हमने डाल दिए हैं मखाने, जो हमने मखाने और बचा के रखे थे। इन मखानों को भी हम यहाँ पर घी में थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, इससे इनका क्रंच थोड़ा और अच्छा हो जाता है। बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बन करके तैयार होती है। कभी भी अचानक घर में आपके मेहमान आ जाएं और लगे कि पनीर नहीं है, कोई सब्जी अच्छी नहीं है, क्या बनाऊं, तो आप झटपट से, ड्राई फ्रूट्स हमारे घर में रहते ही हैं थोड़े बहुत, अगर आपके पास मखाने नहीं हैं तो आप सिर्फ काजू से भी इस सब्जी को बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही रिच ये सब्जी बन करके तैयार होती है और सिर्फ घर की चीज़ों से ही हम इसको बना करके तैयार करेंगे। मैंने इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा गर्म मसालों का यूज़ नहीं किया है, वही जो बेसिक से मसाले हम यूज़ करते हैं वही यूज़ किया है। अब मखाने भूनने के बाद इसमें फिर से मैंने 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल दिया है। ये सब्जी हम पूरी सिर्फ देसी घी में ही बनाएंगे और घी गर्म होने के बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, आप यहाँ तेज़पत्ता भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो प्याज हमने बचा के रखा था उसको हमने चॉपर में चॉप कर लिया है और उस प्याज को हम इसमें डाल करके अच्छे से कलर उसका ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब यहाँ पर मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का खलबट्टे में मैंने क्रश करके इसमें डाला है। इसमें आप चाहें तो पेस्ट डाल सकते हैं लेकिन इस तरह से क्रश करके तुरंत आप डालेंगे तो सब्जी में इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको भी हम साथ में भून लेंगे, इनका कलर हम थोड़ा सा चेंज होने तक भूनेंगे। तब तक हमने जो ये प्याज उबाल के रखे हैं इन प्याज को हम इस तरह से इसका पेस्ट बना करके, वाइट ग्रेवी अपनी बना करके हम तैयार कर लेते हैं।
इसी में से थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और थोड़े से मसाले डालेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी दालचीनी मैंने डाली है, 3-4 यहाँ पर लौंग डाल देती हूँ और 4 ही मैंने इसमें छोटी इलायची डाली है। इसके अलावा मैं इसमें कोई भी गरम मसाले का यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये थोड़े से बस इसमें एक हल्का सा टच देने के लिए। और इसी पानी में से थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे और इसकी एक फाइन सी ग्रेवी बना करके हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर चलिए इसको हम पीस लेते हैं और ये पीस करके ग्रेवी हमने बिल्कुल देखिए बना करके रेडी कर ली। इसको साइड में रख लेते हैं, तब तक देखते हैं हमारे प्याज भी यहाँ पर तब तक भून करके रेडी हो गए हैं। आप देख रहे हैं प्याज का कलर अच्छा चेंज हो गया है। गैस का फ्लेम लो करेंगे और यहाँ पर मैंने डाला है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, बहुत ज़्यादा हल्दी ना डालें नहीं तो आपकी सब्ज़ी का कलर बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। और 1 बड़ा चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है धनिया पाउडर का। गैस का फ्लेम हमने लो ही रखा है, आप देख रहे हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर 2 टमाटर मैंने रफली ही चॉप किए हैं, बहुत ज़्यादा इनको पेस्ट नहीं बनाया है। इस तरह से आप चाहें हाथ से या चॉपर से कैसे भी कट करके मैंने यहाँ पर 2 टमाटर डाले हैं। इसको भी हम इस घी में प्याज के साथ इस तरह अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा इसको चलाने के बाद मैं यहाँ पर डालूँगी इसमें थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक हम यहीं पर डाल लेंगे, क्योंकि हमने अभी तक कहीं भी नमक का यूज़ नहीं किया है। नमक डालने के बाद इसको हम अच्छे से चलाएँगे ताकि पानी मॉइस्चर हो जाए और ये टमाटर अच्छे से गल जाएं। अब इसको हम ढक करके गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, टमाटरों को गलने के लिए छोड़ देंगे। आप देख रहे हैं मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, टमाटर भी अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, स्पैचुला से टमाटरों को थोड़ा दबा करके इनको हम इस तरह से इसमें मैश कर लेते हैं। आप चाहें तो टोमेटो मैशर से भी कर सकते हैं। अब घी अलग हो गया है, अब हम यहाँ पर डालेंगे अपने जो वाइट ग्रेवी हमने बना करके रखी है, वो वाइट ग्रेवी यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। ये गैस का फ्लेम हमने हाई नहीं किया है, यहाँ पर गैस का फ्लेम हमने लो ही रखा है। कभी भी सब्जी बनाने के टाइम मसाले भुनने हैं तो गैस का फ्लेम लो करके ही भुने, लो गैस पर ही आप मसालों को भुनेंगे तो आपकी सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हमने देखिए वाइट ग्रेवी अपनी इसमें डाली है। अब हमारे भी थोड़ी सी मिक्सर में थोड़ा ऐसे बैटर लगा पड़ा था वाइट ग्रेवी का, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके वो भी यहाँ पर ऐड कर लिया है। अच्छे से हम मिला लेंगे क्योंकि उसमें हमने काजू मखाना भी पीसे हैं तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। सारी जो हमने वाइट ग्रेवी बनाई थी इसमें हमने ऐड कर ली है। अब यहाँ पर डाल देते हैं कसूरी मेथी, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी का मैंने थोड़ा सा उसको रोस्ट किया और अच्छे से इसको हमने क्रश करके इसमें डाल दिया है। इससे इस सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छी ये रेसिपी बन के तैयार होती है। कोई भी हमने बहुत ज़्यादा फालतू के मसाले नहीं डाले हैं, कोई भी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं यूज़ की हैं। इन घर की चीज़ों से ही बहुत ही हेल्दी टेस्टी सी रेसिपी हम बना करके यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। तो ये देखिए हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ घर की ही फ्रेश मलाई। आप यहाँ पर अमूल फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो घर की फ्रेश मलाई हम डालेंगे तो इस सब्जी का फ्लेवर बहुत ही रिच हो जाता है, बहुत ज़्यादा इस सब्जी को ये जो मलाई हम डाल रहे हैं इससे इसका बहुत ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट बढ़ जाता है। अब सभी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा यूज़ करूँगी इसमें हनी। तो यहाँ पर हम इसमें 1 चम्मच के करीब इसमें हनी डाल दे रहे हैं ताकि सारी सब चीज़ों का टेस्ट जो है बैलेंस हो जाए। ऑप्शनल है, आपको ना पसंद हो तो ना डालें, लेकिन डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब ढक करके इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे। देखिए जैसे ही इसमें उबाल आ गया है, अच्छे से सब्जी पक गई है, इसका जो हमने पानी डाला है तो इसमें आप पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालें, क्योंकि मखाने जो हमने इसमें डालने हैं वो बाद में पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो अगर आप बहुत कम डालेंगे तो बहुत ही गाढ़ी सी सब्जी बनके तैयार होगी। अब ये पकने के बाद यहाँ पर हमने मखाने और काजू जो रोस्ट करके रखे हैं इनको भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसको हम चला देंगे। इसको चलाने के बाद इसको भी हम ग्रेवी के साथ थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। आप देख रहे हैं अभी आपको ये सब्जी थोड़ी पतली दिख रही है, लेकिन जैसे ही ये थोड़ी ठंडी होगी ये सब्जी बहुत गाढ़ी सी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग ये रेसिपी बन के तैयार होगी। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। इसको पराठों के साथ, कुलचों के साथ, नान के साथ या ऐसे ही रोटी के साथ भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो सब्जी हमारी बन गई है, हम ढक करके ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर सब्जी मैंने देखी बाउल में ट्रांसफ़र कर ली है। कितना अच्छा इसका कलर आया है, कितना अच्छा इसका टेक्सचर है, बहुत थिक सी ये सब्जी हमारी बन के रेडी हुई है। ऊपर से थोड़ा कसूरी मेथी और मलाई से या क्रीम से हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। देख रहे हैं देखने में ही ये कितनी टेस्टी लग रही है, खाने में ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, कभी भी अगर आपके घर पर मेहमान है, कोई भी फंक्शन है, ओकेजन है, आप कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो
इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करना, बहुत ही जल्दी बनने वाली है। जल्दी ही मिलते हैं, टेक केयर।